नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे अपने साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग की। इसके पहले मार्केटिंग के जो भी हमने क्लास पढ़ी हुई है, जानी हुई है, उसमें हम लोगों ने पहले 12 टॉपिक को कवर कर लिया हुआ है और समझा हुआ है। आज हम लोग 13वें वीडियो पर यानी 13वें लेक्चर पर हैं। हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो में कि कीमत निर्धारण यानी प्राइस डिसीजंस क्या होता है। यानी कोई भी कंपनी जब अपने किसी भी प्रोडक्ट का कीमत निर्धारित करती है यानी डिसाइड करती है कि उसका प्राइस क्या होगा, तो वो कैसे करती है, इन तमाम बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जब हम लोग कीमत निर्धारण की बात करने वाले हैं तो इनमें कौन कौन से पॉइंट्स को समझने वाले हैं। यहाँ पर हमारा पहला आता है अर्थ यानी मीनिंग। पहले हम लोग समझेंगे कि प्राइस डिसीजन का मीनिंग क्या होता है। दूसरा समझेंगे परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या कहता है प्राइस डिसीजन का यानी कीमत निर्धारण का। तीसरा है मूल्य के अंग अथवा भाग यानी कंपोनेंट्स ऑफ प्राइसिंग। कोई भी कंपनी जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसीजन करती यानी प्राइसिंग करती है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आ सकते हैं, इसको हम लोग समझने वाले हैं। फिर हम लोग समझेंगे चौथे में कि मूल्य निर्धारण की प्रकृति यानी नेचर ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस क्या हो सकता है, इसको हम लोग समझेंगे विस्तार से और जानेंगे। फिर हम लोग समझेंगे अंतिम में कि मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है यानी प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो इन तमाम तरह की बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को आप हमें वन बाय वन कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे सोशल मीडिया चैनल पर भेज सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले अर्थ की यानी मीनिंग की। कीमत निर्धारण का मीनिंग क्या होता है। कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है तो उसका मीनिंग हम लोग समझेंगे क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि इजी वे में आपको नोट्स यहाँ पर दे दूँ जो आप अच्छे से समझ सकें और मैं कम समय में आपको समझा सकूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लिख के चलता हूँ। पहला है मीनिंग यानी अर्थ। किसी भी उत्पाद की उपयोगिता यानी यूटिलिटी। कोई भी उत्पाद कितना उपयोगी है। जैसे मान लीजिए कि कोई दवा है किसी व्यक्ति के लिए वो उपयोगी है। यानी मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ ब्लड प्रेशर की दवा, ठीक है। तो किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो उसके लिए जो दवा उपयोगी होगी किसी अनदर पर्सन जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसके लिए उपयोगी नहीं होगी। या फिर नॉर्मली अगर किसी का ब्रेन में किसी के ब्रेन में दिक्कत है तो उसको पैर के दर्द की दवा दी जाए तो उसके लिए उपयोगी नहीं होगी। तो यहाँ पर कहने की बात है कि किसी भी उत्पाद की उपयोगिता यानी वह उत्पाद कितना उपयोगी है समाज के लिए, यानी जो लोग इसको परचेज करने वाले हैं उनके लिए यह उत्पाद कितना उपयोगी है, ठीक है। गुड यानी क्वालिटी, उसमें क्वालिटी क्या है, उस प्रोडक्ट में क्वालिटी देखी जाएगी, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट में क्वालिटी क्या है। फिर आता है विशेषता यानी फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस प्रोडक्ट की, के आधार पर उस उत्पाद को परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव वैल्यू यानी वजन, जैसे मान लीजिए 10 ग्राम 20 ग्राम 1 किलो 2 किलो 1 क्विंटल 2 क्विंटल, तो इसकी बात की जा रही है, परिमाणात्मक रूप में प्रकट करना ही कीमत या मूल्य निर्धारण कहा जाता है। क्लियर है ना। अब मैंने यहाँ पे आपको तोड़ तोड़ के बताया हुआ है, मैं इकट्ठा बता देता हूँ, ठीक है। कहा जाया है कि किसी भी उत्पाद की उपयोगिता यानी यूटिलिटी, गुण तथा विशेषता के आधार पर, यानी किसी भी उत्पाद की उपयोगिता क्या है, ठीक है ना, उसका गुण क्या है, उसमें कौन सा विशेष गुण है, ठीक है ना, जो अन्य उत्पाद से उसे अलग करती है या फिर जो किसी भी कस्टमर को खरीदने के लिए प्रेरित करती है, उसकी विशेषता क्या है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि अपने किसी फ्रेंड के बारे में बताओ,
तो आप लोग उसकी जो विशेषता होती है वो गिनवाने लगते हैं, यार मेरा फ्रेंड बहुत प्यारा है, देखने में अच्छा लगता है, या फिर अच्छी लगती है, या फिर पढ़ने में ठीक है, रुपए पैसे उसके पास मस्त हैं, नॉलेज बहुत बढ़िया उसके पास है, हर तरह का नॉलेज उसके पास है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। इसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की विशेषता होती है, ठीक है, तो यूटिलिटी यानी उत्पाद उपयोगिता गुण तथा विशेषता के आधार पर उस उत्पाद को परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव वैल्यू में प्रकट करना यानी प्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, कीमत या मूल्य निर्धारण कहा जाता है। अब आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ये बातें आप लोग समझेंगे और जानेंगे मीनिंग के प्रोस्पेक्टिव में। आगे कहा गया है दूसरे शब्दों में, यहाँ पर बात को घुमा करके बताई गई है, समझेंगे काम आएगा। कहा गया है किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु से सेवा की गुणवत्ता उपयोगिता तथा विशेषता के आधार पर ग्राहक के द्वारा दी जा सकने वाली कीमत का निर्धारण ही कीमत निर्धारण कहलाती है। नॉर्मल सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता उपयोगिता तथा विशेषता के आधार पर कोई भी ग्राहक उस प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा दे सकता है, कितना खर्च कर सकता है, उसको ही जब हम लोग मेजर करते हैं, देखते हैं कि कोई भी ग्राहक कितना पैसा दे सकता है, इसी को कहा जाता है कीमत का निर्धारण करना। जैसे मान लीजिए कि कोई एक टी शर्ट हो, ठीक है ना, मैंने टी शर्ट लेने का प्लान किया, मैं टी शर्ट लेने के लिए गया किसी भी एक दुकान पर, ठीक है ना, कपड़े की दुकान पर, और मैंने कहा भाई तुम एक टी शर्ट दिखाओ ब्लू कलर की। उसने टी शर्ट दिखाना शुरू कर दिया, अब मुझे उसमें से खास तरीके से कोई टी शर्ट पसंद नहीं आ रही है, किसी का कॉलर ऊपर है या फिर किसी के किसी टी शर्ट में कोई धागा निकला हुआ है या फिर जा कर के वो अटक जा रहा है, तो इन तमाम तरह की बातों से मैं नहीं सेटिस्फाई हो पा रहा हूँ। तो क्या है वहाँ पर जो भी दुकानदार है, क्या जो प्रोडक्ट मुझे बेचना चाह रहा है क्या उसकी कीमत का निर्धारण कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। हाँ अगर कोई प्रोडक्ट मैं मान लो मैं लेने गया टी शर्ट और वो टी शर्ट मुझे जाते ही पसंद आ गया, तो वो टी शर्ट अगर मान लीजिए अगर 500 रुपए की है, 600 रुपए की है, तो उसमें वो 100 रुपए 150 रुपए या 50 रुपए ऐड करके वो बेच सकता है। हाँ क्यों बेच सकता है, क्योंकि वो चीज़ें मुझे पसंद आ गई हैं और मुझे पसंद आ गई है तो मैं उसे लेकर के जाऊंगा। तो इन्हीं बातों को हम लोग समझेंगे कीमत निर्धारण में। यहाँ पर हम लोगों ने पहले मीनिंग को समझ लिया हुआ है, अब हम लोग आते हैं परिभाषा पर यानी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन में वॉल्टन हैमिल्टन की बात की गई है, उन्होंने परिभाषा दिया हुआ है कि कीमत उन सभी दशाओं का मौद्रिक सार है। कीमत क्या है, उन सभी दशाओं का मौद्रिक सार है। मौद्रिक मतलब होता है मॉनिटरी यानी रुपए पैसे से संबंधित, ठीक है ना। दशा मतलब होता है सिचुएशंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहा गया है कि कीमत उन सभी दशाओं का यानी उन सभी सिचुएशन का मॉनिटरी सार है, मौद्रिक सार है, जो एक उत्पाद को मूल्य प्रदान करती है। क्या करती है, किसी भी उत्पाद को मूल्य प्रदान करती है कि उसका मूल्य क्या होगा, कितने में बेचा जाएगा, वह कितने में बिक सकता है, ये बात हमें समझनी होती है। यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बात समझा रहा हूँ तो दो तरीके से आप बात समझ सकते हैं। किसी दुकान पे आप जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पे जो भी MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पर कोई भी कस्टमर किसी भी गुड्स को खरीद सकता है जो दुकानदार बेचता है। और यहाँ पर हम लोग जब कभी भी कीमत निर्धारण की बात करेंगे तो दुकान का, मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्पेशली समझेंगे कि अगर प्रोडक्शन होता है तो जो कंपनी माल निकालती है कंपनी से बाहर, उसका प्राइस किस तरीके से डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है, इसको हम लोग समझेंगे। अगला है तीसरा, मूल्य के अंग अथवा भाग, यानी किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य अगर निर्धारित किया जाए तो उसमें कौन कौन से कॉस्ट आ सकते हैं, कौन कौन से भाग आ सकते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है मौलिक लागत यानी ओरिजिनल कॉस्ट। जब कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है ना,
तो उस प्रोडक्ट के बनाने में कौन कौन सा मौलिक लागत लगता है, लेबर हो गया, मैटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन तमाम तरह के व्यय को हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, मौलिक लागत है, ओरिजिनल कॉस्ट है। ठीक है, तैयारी लागत यानी प्रिपरेशन कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रिपरेशन कॉस्ट भी लगता है, इसको आप लोग समझेंगे। अगला है सी, लाभ सीमा यानी प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है। ठीक है ना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाया कितना मेरा कॉस्ट लगा और कॉस्ट लगने समय हमने जो बेचा हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमारे पास पैसा आया, उसी के बीच के अंतराल को हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन मेरा कितना हो रहा है, जिसमें हमारे पास सेवा व्यय, विपणन व्यय और प्रशासनात्मक व्यय शामिल होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर सेवा व्यय की बात की गई है यानी जो भी सर्विस पर खर्च हो रहा है। ठीक है, दूसरा है मार्केटिंग पे जो खर्च किया जा रहा है और जो भी प्रशासनात्मक व्यवस्था है यानी प्रशासन को चलाने के लिए जो भी खर्च किए जा रहे हैं उन सभी के सभी खर्च को हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं जब कभी भी हम लोग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी मूल्य को निर्धारित करते समय, किसी भी प्रोडक्ट के मूल्य को निर्धारित करते समय हमारे पास तीन तरह की बातें आती हैं, विशेष रूप से मौलिक लागत, तैयारी लागत और सीमा, लाभ सीमा। ठीक है ना, यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट, प्रिपरेशन कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन की बात की गई है। आगे हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि चौथा क्या कहता है। यहाँ पर जो भी बातें मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन सभी की सभी बातों को आप लोग हमारी वेबसाइट aasiscommerceclasses.com पर जाके पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। आगे कहा गया है मूल्य निर्धारण की प्रकृति यानी नेचर ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस। यहाँ पर जब कभी भी हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे, विचार करेंगे तो हम लोग सोचेंगे ना कि भाई मूल्य निर्धारण किस तरीके से होता है, क्या होता है, इसकी दशा क्या होती है, तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे तो हमारे पास आएगा कि इसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है। इसमें हम लोग कुल इन तमाम तरह की बातों को समझने वाले हैं। पहला कहा गया है मूल्य निर्णय और उत्पाद की मांग, यानी कोई भी प्रोडक्ट है उसका अगर मूल्य निर्धारित किया जाता है तो उस प्रोडक्ट की जो भी मांग है उसको भी देखा जाता है ना। अगर डिमांड ज़्यादा है तो कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट का प्राइस हल्का सा बढ़ा सकती है। ठीक है ना, लेकिन अगर जो प्रोडक्ट बेचा जाने वाला है उसका डिमांड ही कम है तो कंपनी क्या करेगी, उसके प्राइस को हल्का सा डाउन करके रखती है कि लोग क्या करें, उसका डिमांड करें, जो भी कंपटीटर्स हैं क्योंकि वे भी तो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं। दूसरा है बी, मूल्य निर्धारण और उत्पाद की पूर्ति। कोई भी कंपनी देखती है कि जो भी मूल्य वह निर्धारित कर रही है वह क्या जब वह प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसकी सप्लाई कर पाएगी, कितना सप्लाई कर पाएगी, तो यहाँ पर सप्लाई के प्रोस्पेक्टिव से सोचकर भी कंपनी क्या करती है, उस प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित करती है यानी प्राइस डिसीजन करती है। अगला है सी यानी मूल्य निर्णय और विपणन कार्यक्रम। कंपनी ने कितना खर्च किया मार्केटिंग पे, कंपनी किस तरीके से मार्केटिंग कर रही है, किस तरीके से लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच रहे हैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, उन सभी की सभी बातों को ध्यान में रखकर भी तो प्राइस का डिसीजन किया जाता है। अगर लोग जो भी हैं मार्केट में लोग हैं वे अगर मार्केटिंग के थ्रू लालायित हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो निश्चय ही कंपनी अपना मज़ेदार सा मूल्य निर्धारित करेगी जो लोगों को ही पसंद आएगा और कंपनी का प्रॉफिट भी हो सकेगा। अगला है डी यानी मूल्य निर्णय और विक्रय संवर्धन। कंपनी अपने सेल्स का प्रमोशन भी तो करती है ना, तो सेल्स प्रमोशन भी यानी मूल्य संवर्धन भी आता है किसमें, जब कोई भी कंपनी अपने मूल्य का निर्धारण करती है। अब यहाँ पे मैंने जो विक्रय संवर्धन लिखा है उसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के ही एक प्लेलिस्ट को खोलेंगे जिसका नाम ही होगा विक्रय संवर्धन यानी सेल्स प्रमोशंस, उसमें वीडियो दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि विक्रय संवर्धन क्या होता है असलियत में। एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से भी यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है मूल्य निर्णय तथा
उत्पाद का लागत मूल्य, जो भी उत्पाद है उसका लागत मूल्य कितना लगा है भाई साहब। ऐसा है कि किसी भी उत्पाद में मान लीजिए 30 रुपये लग गया है, ठीक है ना, और हम विचार कर रहे हैं कि उसे 35 में बेचें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। कंपनी चाहेगी ना कि जो भी उत्पाद में लागत लगी हुई है, ठीक है ना, जो भी उत्पाद का लागत है उसमें कंपनी अपनी मार्जिन को भी सेट करके चलती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपनी के उत्पाद का जो लागत है उसको देख कर भी क्या किया जाता है, कंपनी अपने मूल्य का निर्धारण करती है, अपने प्रोडक्ट का निर्धारण करती है, अपने प्रोडक्ट के मूल्य का निर्धारण करती है। अगला है मूल्य निर्णय और लाभ, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी क्या करेगी अपना नुकसान कर लेगी, कंपनी प्रॉफिट को भी ध्यान में रखती है कि जो प्रोडक्ट वो बना रही है उसमें उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगला है, अंतिम है कि मूल्य निर्णय कला के रूप में जो भी कंपनी है वह देखती है किस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं, प्रोडक्ट की डिज़ाइंस वगैरह किस तरीके से हैं, यानी कौन सी स्ट्रेटजी अपना करके, कौन सी मेथोलॉजी लगा करके कंपनी क्या करती है अपने मूल्य का निर्धारण कर सकती है, उन तमाम तरह की बातों को हम लोग इसमें समझ सकते हैं कला के रूप में। आगे हम लोग समझेंगे अंतिम यानी पांचवें को, मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, यहाँ पर लिखा गया है प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है, यानी किन चरणों से होकर के कोई भी कंपनी अपने मूल्य का निर्धारण करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चरण दिए गए हैं, आप लोग समझेंगे। पहला है उत्पाद के लिए मांग का अनुमान लगाना यानी एस्टिमेट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो उसका डिमांड क्या है, कंपनी पहले मार्केट में जाती है, सर्वे करती है और अपने डिमांड का पता करती है, भाई साहब क्या यह प्रोडक्ट बिकने वाला है, इसका डिमांड है, उसके बाद से अगला स्टेप चालू होता है। अगला स्टेप है प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना यानी एंटीसिपेट कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस, यानी जो भी प्रतिस्पर्धी हैं कंपनी के मार्केट में उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वे किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, उनको भी ध्यान रखते हैं सेकेंड स्टेप में। तो पहले क्या किया, मांग देखा, उसके बाद से कॉम्पिटिटर्स को देखा, उनकी प्रतिक्रिया को देखा। अगला है सी, संभावित बाजार भाग का निर्धारण किया जाना यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ मार्केट, यानी कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट के मूल्य का निर्धारण कर रही है तो वह देखेगी कि वह कितना मार्केट कवर करती है, 30%, 20%, 10%, क्या उसका प्रोडक्ट इतने मार्केट में बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा, इन बातों को भी ध्यान में रखती है ना कंपनी। आगे चलते हैं, तो हमारा अगला है डी, यानी बाजार लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयोग की जाने वाली रीति नीति का चुनाव करना। कंपनी देखती है कि किन मेथड्स को फॉलो करके, किन रीतियों को फॉलो करके कंपनी जो भी बाजार के लक्ष्य हैं उन तक पहुंच सकती है और अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचा सकती है, इन बातों का चुनाव करना भी कंपनी के लिए बहुत ही अहम हो जाता है। सेलेक्ट प्राइस स्ट्रेटजी टू रीच द मार्केट टारगेट, ठीक है ना, मार्केट में जो टारगेट है वहां तक पहुंचने के लिए। अगला और अंतिम है कि उत्पादों वितरण वाहिकाओं एवं संवर्धन के संबंध में कंपनी की नीतियों पर विचार करना यानी टू कंसीडर कंपनीज पॉलिसी रिगार्डिंग प्रोडक्ट चैनल्स एंड प्रमोशंस। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बातें समझी जाती हैं कि कंपनी क्या करती है, अंत में जा करके रीतियों नीतियों का निर्धारण करती है, फिर कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर लेती है। यहाँ पे हमने समझा कि किसी भी तरीके से कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है तो उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। यहाँ पे हमने समझा अर्थ को, फिर समझा परिभाषा को, फिर समझा कंपोनेंट्स यानी जो भी अंग हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं, उनको समझा, फिर समझा प्रकृति क्या होती है, फिर समझा अंत में प्रक्रिया क्या होती है। मेरे अपने साथियों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है मार्केटिंग से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को बिना डरे बेझिझक हमें जरूर बताएं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ देंगे। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न होता है
बताते रहें, हमारे साथ जुड़ें। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.